अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक होगी। कांग्रेस की बड़ी बैठक यहां पर आज होने वाली है। तो जहां बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार अब जो है बैठकें कर रही है। आज कांग्रेस में बड़ी बैठक होनी है। उपचुनाव प्रभारी और संगठन पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। कमलनाथ के निवास पर ये बैठक हो सकती है। उपचुनाव की रणनीति और संभावित प्रत्याशी के नाम पर बैठक में मंथन होगा। प्रत्याशी के नाम पर वेट एंड वॉच की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने भी अभी अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं खुले हैं, तो जब बीजेपी के नाम आ जाएंगे उसके बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, बताएगी कि कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रही है। फिलहाल आज बैठक होनी है और तमाम जो उपचुनाव वाली सीटें हैं उनको लेकर रणनीति मंथन किया जाएगा। इस बैठक में उपचुनाव प्रभारी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी। कमलनाथ के निवास पर ये बैठक हो सकती है। उपचुनाव की रणनीति और संभावित प्रत्याशी के नामों पर मंथन होगा। तो अभी प्रत्याशी किसी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम नहीं खुले हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, अभी किसी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम उजागर नहीं किए। प्रत्याशी के नाम पर कांग्रेस में वेट एंड वॉच की स्थिति रणनीति बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के नाम आने के बाद कांग्रेस को कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। फिलहाल कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिजवान, उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। लगातार हम पार्टियों की बात करें, बैठकें चल ही रही हैं, लेकिन आज कांग्रेस की भी एक अहम और बड़ी बैठक होने वाली, क्या कुछ इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ सकता है? जिस तरीके से प्रदेश के 3 विधानसभा जो उपचुनाव होना है उसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, और आज जो है एक बड़ी बैठक जो है कमलनाथ के निवास पर जो है हो सकती है, और उसमें यही है जो उम्मीदवार है उन पर जो है मंथन हो सकता है साफ तौर से। उसके बाद जो है किस तरीके से उपचुनाव में जीत हासिल की जाए, अपने कार्यकर्ताओं से किस तरह से जो है बात की जाए, तमाम मुद्दों पर लेकर जो मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साफ तौर से मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो बैठक में शामिल होंगे, और 1-to-1 चर्चा भी जो उम्मीदवारों से यहाँ पर कर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। और तमाम जिस तरीके से दमोह उपचुनाव जीता है उसी तर्ज पर जो है कांग्रेस जो है इन 3 विधानसभा जो उपचुनाव होना है उसको लेकर जो है जीत हासिल करने का जो है लक्ष्य रख रही है, और बीजेपी के जो 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 योजना है उनको जो जो जन विरोधी योजना है उनको जो जनता तक पहुंचाना है, जनता को बताना है, वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तमाम जो मुद्दे हैं किस तरीके से बूथ स्तर पर उसको मजबूती बनाया जाए और किस तरीके से जो है चुनाव जीता जाए उसको लेकर जो है यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में। जी रिजवान, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल उपचुनाव के लिए यहाँ पर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। कांग्रेस की एक बड़ी और अहम बैठक आज होने जा रही है, लेकिन फिलहाल प्रत्याशियों के नामों पर जरूर वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर रणनीति अपनाएगी, क्योंकि बीजेपी जब नाम खोलेगी, अपने प्रत्याशियों के नाम उजागर करेगी, उसके बाद ही कांग्रेस जो है नाम अपने जाहिर करेगी।